देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान कई बातें सामने आई। अब खबर आ रही है कि वहां के इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे यहाँ की जनता काफी ज्यादा पसंद करती है। आखिर मामला क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष नफ्ताली बेनेट के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक हल्का फुल्का पल तब आया जब बेनेट ने पीएम मोदी से कहा है कि वह इजरायल में काफी पॉपुलर है और वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। जलवायु सम्मेलन के दौरान सोमवार को संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बेनेट की पहली औपचारिक मुलाकात हुई। वहीं सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो के मुताबिक बेनेट ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, आप इजराइल के सबसे पॉपुलर शख्स हैं। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, धन्यवाद धन्यवाद। बेनेट ने इसके बाद पीएम मोदी की अपनी यामिना पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और इस दौरान बेनेट ने कहा, आइए और मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेनेट के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि भारत के लोग इजराइल के साथ दोस्ती को काफी महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने ट्वीट किया है, इजराइल के साथ दोस्ती को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नफ्ताली बेनेट की ग्लासगो में सार्थक बैठक हुई। दोनों नेताओं ने हमारे नागरिकों के फायदे के लिए सहयोग के विभिन्न उपायों को मजबूत करने पर चर्चा की है। वहीं पीएम मोदी और बेनेट के बीच यह मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से पिछले महीने इजराइल के दौरे के दौरान मोदी की ओर से इजराइल के प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता देने के बाद हुई है। इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक इस साल जून में प्रधानमंत्री बने बेनेट के अगले साल भारत की यात्रा करने की संभावना है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा ने भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था। तब से दोनों देशों के बीच संबंध नॉलेज बेस्ड साझेदारी के विस्तार पर केंद्रित है, जिसे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने सहित इनोवेशन और रिसर्च में सहयोग शामिल है। हालांकि ये साफ हो चुका है कि उनका मुलाकात काफी सफल रहा, काफी अच्छा रहा उन दोनों का एक दूसरे से मुलाकात, लेकिन जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी में शामिल किया, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसते हंसते टाल दिया, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो जिस पार्टी में है उसके वो सबसे बड़े लीडर है और प्रमुख लीडर है। ऐसे में वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में भला ज्वाइन क्यों होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज।